सरकार की तरफ से 1,000 रुपये हर महीने लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दो कंडीशन रखी गई है। सबसे पहली कंडीशन तो आपको कि आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी किसी के पास नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन कि आप एक महिला होनी चाहिए। ये स्कीम केवल महिला के लिए है और ये सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई गई है। इस योजना का नाम है लाडली बहन योजना। तो इस योजना का फॉर्म आपको बस एक आपको छोटा सा फॉर्म आपको फिल करना होगा और आपको अगले महीने से आपको 1,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से आपको वेबसाइट के बारे में बताते हैं। वीडियो में दिए गए लिंक पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे आप मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाएंगे। इसको आप स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपके योजना के बारे में आपको कुछ बताया गया है। बाकी सारी डिटेल आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप पढ़ के आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करके ऊपर की तरफ आना है। आवश्यक दस्तावेज मैं आपको बता देता हूँ। आवश्यक दस्तावेज में आपको सबसे पहले आपके पूरे सदस्यों की आईडी कार्ड जो आपके सगराम परिवार से बनाई गई है, उस पोर्टल से आपको बनाई गई है सदस्य आईडी, वो आपको सारी लेके जानी होगी अपने पूरे परिवार की। आधार कार्ड आपको लेके जाना होगा और आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेके जाना होगा जो आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है। उसके बाद आवेदन पूर्व तैयारी में आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपके आधार कार्ड की EKYC की जाएगी, आपके बैंक खाता लिया जाएगा। उसके बाद आपको आपका ये भी चेक किया जाएगा कि आपका बैंक जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है DBT योजना के ज़रिए, मतलब उसकी NPCI उसकी मैपिंग है कि नहीं है। तो उसके ज़रिए अगर आपकी NPCI मैपिंग नहीं है तो आप फटाफट से उसको करा लीजिए अपने बैंक में जा कर के। तो वहाँ से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फिल करके आप अपनी NPCI को लिंक करा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका NPCI लिंक हो जाएगी तो आपको ऑनलाइन ही आपके DBT के ज़रिए आपको बैंक अकाउंट में आपके लाडली बहन योजना के पैसे आपके अकाउंट में आने लग जाएंगे। बाकी अगर आपको और भी कुछ जानकारियाँ चाहिए तो आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको ऊपर की तरफ आना है, यहाँ पे आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है और आपत्ति दर्ज करें पे आपको क्लिक करना है। आपको जो भी समस्या आ रही है वो यहाँ पे आपको बता देनी है, अपनी शिकायत को दर्ज कर देना है। अगर आप अपने आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आवेदन की स्थिति पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पंजीकरण क्रम डालना है, जो आपको रेफरेंस नंबर दिया गया है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको कैप्चर कोड को फिल करना है, OTP को दर्ज करना है और खोजे पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी डिटेल यहाँ पे सामने आ जाएगी तो आपको आपका स्टेटस यहाँ पे पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप लाडली बहन योजना में आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। और पंजीकरण के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन अब बंद कर दिया गया है। तो आपके एरिया में एक स्पेशल कैंप लगाया होगा मुख्यमंत्री यूपी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कैंप पे जाकर के। या आप अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप बोर्ड कार्यालय में भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी आप अपने जो वहाँ पे MCC लगती होगी वहाँ पे आप जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं, गांव के इलाके से आते हैं, तो वहाँ पे आपको आपके ग्राम पंचायत में जाना होगा, वहाँ पे आपको आपका फॉर्म ऑनलाइन ही वहाँ पे आपको भर दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझना है दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। और इस योजना की यह खास बात है कि आपको 1 साल में 12,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, हर महीने की किस्त आपको 1,000 रुपये में दी जाएगी दोस्तों। ये केवल महिलाओं के लिए है, वो भी उन महिलाओं के लिए जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, ये और दूसरे स्टेट के लिए दोस्तों नहीं है। ताकि आप कहीं UP से या आप दूसरे स्टेट से अगर आप हो तो आप इसमें और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप अपने ब्लॉक में घूमते रहे। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ये सिर्फ मध्य प्रदेश वालों के लिए ही है, सिर्फ केवल महिलाओं के लिए है और ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा इसका लाभ जिनके घर में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है और जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन में ज़रूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा दोस्तों ताकि और लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके। ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है, ऑफलाइन ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है इस योजना में। तो आप फटाफट से अपने ब्लॉक या MCC में जाकर अपना फॉर्म आप भर सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।